अगर आप भी कुछ डिफरेंट तरीके के स्टार्टर ढूंढ रहे हैं या फिर टी टाइम स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए ये आज की जो रेसिपी है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न कबाब। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो होप ये आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। अगर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इसकी हम रेसिपी देख लेते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको लेना है एक मिक्सर का जार। इसमें हम डालेंगे कॉर्न। यहाँ पे 2 कप मैंने कॉर्न का यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, जो कॉर्न आता है उसको पहले बॉईल कर लिया है, फिर उसके ये जो दाने हैं इनको निकाल लिया है। बट आप वो जो फ्रोज़न कॉर्न आता है मार्केट में वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हम अपने मिक्सर के जार में डाल देंगे और ये डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने अदरक लिया है 1/2 इंच के करीब और 3 से 4 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये डाल दें। अगर आप चाहें तो आप इसमें लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप खाते हैं तो लहसुन ज़रूर डालें। इनको अब हम पीस लेंगे, एकदम बारीक भी नहीं पीसना है इसको हमें, थोड़ा सा इसको हमें दरदरा सा रखना है। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है। कोशिश करिएगा कि इसको पीसने में आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, बिना पानी के ही अगर ये पिस जाए तो इसको वैसे ही पीसें, नहीं तो बाद में इसमें हमें बेसन वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि पानी ज़्यादा ना हो। अब ये जो सारा हमने पीसा है इसको हम एक दूसरे बाउल में डाल देंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको एकदम ही बारीक चॉप कर लिया है। प्याज के बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर ली है, ये भी मैंने 1-1 ली हैं दोनों। इनको भी एकदम ही बारीक चॉप कर लें, उसके बाद डालें। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास ना हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी उबले हुए आलू। यहाँ 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू उबाले थे। उबालने के बाद उनका छिलका पील कर लिया है और उसको इस तरीके से मैश कर लिया है। तो ये जो आलू हैं इनको भी हम इसी में डाल देंगे इसके साथ। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। यहाँ पर मैं 1.5 छोटा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर। ये वही चम्मच है जिससे आप दाल चावल खाते हैं, तो उसी का मेजरमेंट रखिएगा आप भी। 1/2 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डालूंगी। 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च को बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1/2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला का पाउडर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेसन। बेसन के लिए मैंने बड़ा वाला चम्मच यूज़ किया है जिसे हम दाल चावल खाते हैं, ये वो चम्मच नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा वाला चम्मच यूज़ करें। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन के डाले हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ इसमें 25 से 30 कटलेट बनते हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं तो 25 से 30 बने हैं, अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा आप उस हिसाब से ये जो चीज़ें हैं उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे जितनी क्वांटिटी मैंने चीज़ों की बताई है उसमें 4 लोगों के लिए ये आराम से पूरे हो जाते हैं। तो अगर आप भी 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतने बनाएं। अगर आपको 2 लोगों के लिए बनाने हैं तो जो क्वांटिटी मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सब इसमें आप हाफ़ कर दीजिएगा। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो अब मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी। 2 ही बड़े चम्मच मैं ब्रेड क्रम्स के डालने लगी हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें बेसन ही और ऐड कर दें, या फिर अगर कॉर्नफ्लोर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब एक बार फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें बस यही देखना है कि जो भी आप शेप बनाएं वो अच्छी तरीके से बन जाए। अगर ये जो मिक्सचर है थोड़ा भी पतला होगा तो शेप अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। कटलेट जैसे ही आप बनाएंगे उसको हाथ में लेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ बस अवॉइड करनी है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
मिक्सचर अब मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको शेप देना शुरू करती हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन हम अपने हाथ में लेंगे, हाथों को या तो पानी से गीला कर लें या फिर थोड़ा सा इसमें तेल लगा लें। अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको इस तरीके का थोड़ा ओवल शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं या फिर कुकी कटर से कोई भी अलग शेप इसको दे सकते हैं आप। ये देखिए मैंने इसको इस शेप का बनाया है। अब पहले सारे ही हम बना के रख लेंगे, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ही इस तरीके के बना के रख लिए हैं। अब कढ़ाई में तेल लेके तेल को अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देंगे। और अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके जो हमारे ये कटलेट्स हैं, या आप इसको कबाब भी कह सकते हैं, तो ये एक एक करके हम तेल में डालेंगे। एक से दूसरा कबाब डालने के लिए 2 से 3 सेकंड का गैप उसमें रखिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा गैप डालते हुए ये सारे कबाब जितने भी आपकी कढ़ाई में फिट आते हैं वो सारे डाल दीजिएगा। कबाब को तेल में डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाइएगा। इसको एक तरफ से पहले पकने दीजिएगा, उसके बाद ही इसको पलटिएगा, नहीं तो फिर ये टूट भी सकते हैं। तो पहले जब ये एक तरफ से पक जाएंगे उसके बाद ही इसको हम टर्न करेंगे। मुझे 3 मिनट हो गए हैं इसको हाई फ्लेम में ही पकाते हुए। तो अब एक बार धीरे धीरे मैं इनको टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आराम से ही करिएगा आप भी। 3 से 4 मिनट और पकाने के बाद आप देखेंगे इनका कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अच्छी तरीके से हर तरफ से ये पक जाएंगे और गोल्डन ब्राउन से इनका कलर हो जाएगा। ये मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से ये फ्राई हुए हैं। तो बस अब इन सभी को हम बाहर निकाल लेंगे, किसी भी दूसरी प्लेट में निकाल लें इस तरीके से। और इसको आप चटनी के साथ या सॉस के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो होप ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.